नमस्कार, मैं टीमर मुद्दा से एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है श्वास कुठार रस। श्वास कुठार रस हमारे आयुर्वेद का एक बहुत ही प्रसिद्ध योग है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि श्वास कुठार रस में कौन कौन से उसके कंटेंट होते हैं, कौन कौन से द्रव्यों से मिलकर ये बना होता है, और उसके अलावा उसको याद करने का क्या निमोनिक है, और इसका जो मात्रा है वो कितनी होती है, उसके अलावा किस किस अनुपान के साथ हम इसको दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आगे के लिए भी जो हम वीडियो बनाते रहते हैं आयुर्वेद से रिलेटेड, उसको वो आप तक पहुंच सकें। तो श्वास कुठार रस में बेसिकली जो हमारे कंटेंट हैं उसमें आता है हमारा शुद्ध पारद यानी मरकरी, शुद्ध गंधक यानी हमारा जो सल्फर होता है, उसके अलावा वत्सनाभ, एकोटिनम फेरॉक्स और टंकण बोरेक्स जिसको बोलते हैं, उसके अलावा मनेशिला आती है और हमारे त्रिकटु आता है। तो ये हमारे कंटेंट हैं श्वास कुठार रस के। तो इनको याद करने का क्या तरीका है, तो याद करने के लिए इनके लिए बहुत अच्छा एक निमोनिक है, वो है हमारा के पीजी में वत्स ने टंकण के साथ मन से त्रिकटु खाया। वत्स ने पीजी में वत्स ने टंकण के साथ पीजी में वत्स ने टंकण के साथ मन से, यानी मन के अनुकूल कह सकते हैं हम इसे, मन से त्रिकटु खाया। तो ये हमारा श्वास कुठार रस का निमोनिक है, बहुत ही सरल है, याद करना बहुत आसान है। क्या है? पीजी में वत्स ने टंकण के साथ मन से त्रिकटु खाया। पीजी यानी पारद और गंधक में वत्स ने, वत्स यानी वत्सनाभ, टंकण, टंकण हमारा एज इट इज़ है, उसके अलावा है कि साथ मन से हमारा यहाँ पर है मनेशिला, और क्या खाया उसने? त्रिकटु खाया यानी त्रिकटु। तो हमारे श्वास कुठार रस के क्या क्या कंटेंट हैं? शुद्ध पारद, गंधक, वत्सनाभ, टंकण, मनशिला और त्रिकटु, यानी पीजी में वत्स ने टंकण के साथ मन से त्रिकटु खाया। अब इसकी मात्रा क्या है और इसके क्या क्या इसकी अनुपान होते हैं उसके बारे में अगर हम देखें, तो इसकी मात्रा जो होती है, तो इसकी मात्रा में हम 1 से 2 रत्ती की टैबलेट्स होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं, और उसको विभिन्न अनुपान के साथ दिया जाता है, जिसमें कि श्वास कास के लिए हम अदरक स्वरस का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके अलावा अलग अलग रोगों के अनुसार हम उसे अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, जिसमें कि हमारा मधु के साथ भी हम उसको दे सकते हैं, या फिर हम उसे पिपली मूल के चूर्ण के साथ और मधु के साथ भी मिक्स करके दे सकते हैं। इसके अगर हम बात करें कि इसके किस किस रोग में दे सकते हैं, तो श्वास कुठार रस से जैसे हमें पता लग रहा है कि किस चीज़ में श्वास रोग में हम उसको दे सकते हैं, उसके अलावा हम इसे पीनस रोगों में, शिर रोगों में, या फिर जो हमारा स्वर भेद आदि के रोग जो होते हैं उनमें भी इसको अगर प्रयोग करेंगे तो वो हमारे लिए लाभप्रद होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो हम फिर दूसरे योग के निमोनिक्स और उसकी मात्रा अनुपान के साथ लेकर कुछ समय बाद फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।